ये देख ये देख यही कर तू ये एक प्रोजेक्ट खत्म हो गए अपन एक फिर आ जाते हां भाई चलो सीढ़ी जाते सीढ़ी एक प्रोजेक्ट Alright everyone, so welcome back to another video. And आज ये कुछ अलग टाइप का वीडियो है, मतलब ब्लॉग है. And इसमें कुछ हाँ ये कर लो पहले. बड़े लोग हैं पहले ऐसे करते होंगे. तो ये अलग टाइप का ब्लॉग है, मतलब मैं इसमें कुछ ऐसा सेपरेट कुछ कहीं पे जाने वाला नहीं हूँ, मतलब मैं तो एक्सप्लोर करने वाला हूँ जो कि खाने की चीज़. सो जाना मुझे घाटकों पर है और बहुत दिनों बाद अपना अपना स्माइली बॉय आया था. और वैसे तो जल्दी मिलता नहीं है भाई के पास, बहुत बड़े प्रोजेक्ट होते रहते हैं. जब भाई एक प्रोजेक्ट खत्म करता है फिर मिलता है, हर बार बोलता है कहीं जाएंगे दूर. ये एक प्रोजेक्ट खत्म होने दे, अपन एक फिर आ जाते हैं. हां भाई चलो सीढ़ी जाते हैं सीढ़ी. एक प्रोजेक्ट खत्म ही नहीं आ रहा. जल्दी से चलते हैं घाटकों पर, थोड़ा 40 मिनट्स का ट्रैवलिंग है. लेट्स गो. चलने वाला था और देखो वेदर पूरा चेंज हो गया है. काफी से लगता है ऐसे वेदर में जाना कि ये जो इंसान है ना, इसने कुछ लोगों को बुलाया हुआ है, वो लोग अभी तक नहीं पहुंचे. बाद में अलग से पहले मुझे बोल रहा था जल्दी जल्दी करने के लिए हम लोग को. तुम लोग को सबको परमिशन है, तुम वीडियो के नीचे कमेंट में गाली दो लड़की लोग. अच्छा कितना भाई अभी अलविदा ले रहा है, कब मिलेगा फिर? और सो एज यूजुअल हम लोग ट्रेन का वेट कर रहे हैं जो कि टाइम पे नहीं आती है. सही है, वेदर काफ़ी सही लग रहा है. और सो हम लोग जल्दी से जाएंगे एंड यहाँ से कुछ अराउंड 45 जैसे पहले बता रहा 45 मिनट्स लगेंगे. जब कब से सोच रहे हम लोग अराउंड 3 बजे से सोच रहे हैं जल्दी जल्दी निकलेंगे, लेकिन निकल नहीं पाए अभी तक. 4 बज के क्रॉस, मतलब 4 बज के ज़्यादा हो गए हैं और पता नहीं एक्जैक्ट टाइम कितना हो अभी, लेकिन जल्दी जाएंगे एंड देन पॉस्ट देखते हैं. ऑलराइट गाइस, सो आप लोग वीडियो तो देख रहे हो, उसके बीच में आपको एक और एक चीज बता दूं जो कि बहुत ज्यादा यूजफुल होती है अपने मेंस, यानी कि अपने लिए जो कि डेली रूटीन में बहुत ज्यादा यूज करते हैं लोग, जैसे कि वो सकते हैं लोग हेयर अपना, मतलब ग्रूमिंग किट बोल सकते हैं हम लोग एक्चुअली. और सो आज मेरे पास यहाँ पर है मैन डीजल कंपनी की तरफ से मैनहुड, ये हमारे पास आया है. सो इसमें ऐसा है कि इसके जो प्रोडक्ट है बहुत काफी सही है, और जो प्रोडक्ट मुझे रिसीव हुआ है वो है आज का, मतलब इसका क्वालिटी बता रहा हूँ, मुझे प्रोडक्ट तो बहुत सारे रिसीव हुए हैं, लेकिन आप देख सकते हो इनके जो पैकेजिंग वगैरह बहुत काफी सही है. तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि इसमें प्रोडक्ट बहुत सारे रिसीव हुए मुझे, क्योंकि मैं यूज करता हूँ. और इसमें कुछ लिखा हुआ भी है, तो कभी विस्तार में पढ़ूंगा बैठिए. और यहाँ पर इसमें जो प्रोडक्ट रिसीव हुआ फर्स्ट वाला वो है हेयर सीरम. ये वाला जो सीरम आया मुझे ये बॉक्स में था, और काफ़ी स्टेटिंग जैसे लिखा है करके. और देखो टेक्सचर देखा था आपको, आप देख सकते हो काफ़ी ठीक है और काफी स्मूथ है. काफी सही हुआ, स्मूथ बहुत स्मूथ कर देता है इसको वॉश करने के बाद. और वॉश करने से पहले जो यूज करते हैं उसको बोलते हैं शैम्पू, जो कि मुझे वो भी रिसीव हुआ है. और ये वाला और इतना ज़्यादा भी एक्सपेंसिव नहीं है, क्योंकि इसका जो क्वालिटी है वो जो इफेक्ट करता है वो काफ़ी सही है. और देखो आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखो इसका जो टेक्सचर आपको दिख रहा है थोड़ा अलग है बाकी सब शैम्पू से. बाकी आप देखोगे तो कैसा व्हाइट व्हाइट आता ना, ये थोड़ा कैसा येलो इस टाइप का हो जाता है. और भी मुझे प्रोडक्ट रिसीव हुए हैं जो कि इसको होता है फेस मास्क, ये वाला एंड हेयर कलर वैक्स, मतलब कलर वैक्स बोल सकते हैं हम लोग, वो रिसीव हुआ मुझे. और इसके जो इंग्रेडिएंट्स वगैरह हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सो आप वहाँ से चेक कर सकते हो इसमें कौन कौन से टाइप के इंग्रेडिएंट्स हैं. और ये कंपनी बहुत टाइम पहले से है, बहुत ही ट्रस्टेड है. एंड इसमें जो इसके जो जो बनाते हैं सो बहुत ही ऑर्गेनिक एंड नेचुरल इंग्रेडिएंट्स बनाते हैं इसे, सो काफ़ी सही है कि बाकी सब प्रोडक्ट से ये कुछ ऐसा फालतू इफेक्ट नहीं करेगा, सही है काफ़ी यूज़ करने के लिए. सो आप लोग प्लीज़ ट्राई करना. एंड इसका जो लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन में परचेज मैं डिस्क्रिप्शन में डाल, इस कूपन कोड जो कि ये मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, सो आपको डिस्काउंट वगैरह मिल जाएगा, ऑलमोस्ट आपको 15% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा. सो प्लीज मेक श्योर टू गाइस परचेज दिस फ्रॉम माय ऑन द लिंक जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा. एंड आगे कंटिन्यू करते हैं वीडियो, लेट्स गो. वाला ट्रेन जस्ट अभी आई है एंड चढ़ते हैं. जस्ट अभी घाटकों पर पहुंचे और यहाँ से दूर है अभी, पता नहीं कुछ तो बताए माता का मेरा ब्लॉग देखो, तो अभी कितना दूर आना पता नहीं, देखते हैं. बोलो बाकी सब मजा में. और एक टाइम था जब हम भी कभी पाठशाला अपनी के स्कूल जाते थे कॉलेज जाते थे, तो आज वैसी जगह पे आया हूँ मैं. ये अपना कॉलेज घाटकोपर में विद द निकेतन जूनियर कॉलेज, एक टाइम पे बहुत सही था, मतलब ये स्टडी का तो आपको याद है यार, कॉलेज स्कूल लाइफ सबको याद आती है, तो मजा आया था, काफी मजा आता था. और पीछे साइड में कॉलेज पीछे साइड में हम लोग बैठ के बहुत मस्ती करते थे, प्रैक्टिस वगैरह डांस का उस टाइम पे करते थे बहुत. आज इसको देख के सब कुछ याद आता है, काफी अच्छा लगता है. व्लॉग बनाने आए थे और यहाँ टिकटॉकर्स मिल गए, काफी यही कर दिए हार्ड वर्किंग, वो भी टिकटॉक के लिए जो कि बैन हो चुका है, तो जल्दी से जाते हैं. कितने दूर बाकी रहे हो? ठीक है जाते हैं एंड देन ट्राई करते हैं टेस्ट करके जो भी वहाँ. ओके सो हम अपनी मंजिल पर पहुँच गए हैं, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करने के बाद इसके वजह से,
उसके वजह से भाई मैंने मेरे को नहीं बनाना था रील, उस लड़की को बनाना जिसने भी टाइम वेस्ट किया। तो फाइनली पहुंच गए जो कि है ये वसुंधरा, इसके अपोजिट में ही है और यहाँ पे पीछे बॉम्बे रेक्स उसके पास था। तो पहले चलते हैं जो कि ट्राई नहीं किया मैंने, बोला अच्छा अच्छा करके इसलिए आया मैं, देखते हैं। लेकिन तो जहाँ पर आना था बता रहा था कि मैं एक्सप्रेस के आगे करके, तो मुझे पता नहीं था लेकिन यहीं पे था बाजू में उसके। सो ये वाली शॉप है, जल्दी से ऑर्डर करते हैं, देखते हैं। और सो क्या ऑर्डर करने वाले हो अभी तुम लोग? ओके सो बेसिकली हम लोग चॉकलेट बर्गर खाने आए थे, तो मेरा ऐसा प्लान था कि सब चॉकलेट बर्गर खाते, और अभी ऐसा प्लान हुआ है कि सब लोग अलग अलग खाते, ठीक है? ठीक है, तो सबके यहाँ से अपन टेस्ट करते हैं, ठीक है? मेरे हिसाब से मेरा चॉकलेट बर्गर है, अभी इन लोग का डिसाइड करते हैं, ठीक है? कल मैं सोच रहा हूँ सब कुछ ज़्यादा अलग अलग ऑर्डर करेंगे, सो सब में से टेस्ट कर पाएंगे हम लोग एक्चुअल में क्या क्या क्वान्टिटी में है, कैसा है, ज़्यादा टेस्ट से पता चल जाएगा हम लोग। और इससे जल्दी से ऑर्डर करते हैं। पीला बोली पैनकेक भी हुई है, बोलते पैनकेक में खा ली। सो अभी ट्राई करेंगे ये वाला, कौन सा था वैसे ये कपकेक्स पैनकेक। यस कैसा? अच्छा लगा मुझे उसमें। ठंडा हो गया थोड़ा देर। अच्छा था ना ये? अच्छा बट इससे ये अच्छा है ना, इसमें थोड़ा क्रंची टाइप का लग रहा था। हाँ और ये थोड़ा सॉफ्ट है, तो अगर तुमको सॉफ्ट खाना है एकदम लाइट वाला, मतलब ऐसा कुछ ये नहीं नटेला है, नटेला ये। और अगर तुमको कुछ थोड़ा ऐसा क्रंची टाइप खाना है तो वो वाला खाना ये ट्राई करना। उसका वेट था अभी जैसे मैं अंदर रिकॉर्ड कर रहा था, रिकॉर्ड करने में पूरा देखा स्टेप, बहुत सारी चीज़ें, आइसक्रीम भी इसमें प्लस मैंने देखा आइसक्रीम। सो फाइनली ये अपना आ गया, इसका जिसके लिए हम लोग दीवा से यहाँ तक आ गए, इसके लिए हम लोग दीवा से यहाँ तक आए, तो वो ये चीज़ है बर्गर। लेट्स ट्राई। हाथ देखो इसके, सोच में पड़ गई। ओके मैम का नाम हीना है और ये इस शॉप की ओनर यही है बेस्टी। और मैंने देखा ये सबके सामने, मतलब अपने वर्कर्स के साथ में काम कर रही थी, वो बहुत सही लगा मुझे। और जो उनका शॉप है यहाँ पर विक्रम सर्कल है, तो उसके पास में ही क्लोज है बहुत, और खासकर ये खाऊगली बोलते हैं शायद, दूसरी है क्या? अच्छा तो ये भी एक वैसी टाइप का है, बंदे डेवलप होते जा रहा है, जरूर विजिट करना, काफ़ी सही टेस्ट है, बहुत सही लगा मुझे, जरूर विजिट करना। और सो आप लोगों ने देख लिया आज के वीडियो में क्या हुआ। सो एक्चुअली मजा बहुत आया, एंजॉय बहुत किया सबने हमने मिलके। और ऐसा था कि सब लोग जब जा रहे थे तो मैं रिकॉर्ड करने के लिए थे उसमें नहीं था, ऐसा खाने का थोड़ा नींद आने लगता है, नाइट हो गया था तो वैसा नींद आने लगा था, फिर तो मैं यहाँ से आ गया और डायरेक्ट अभी कुछ अराउंड 9:30 ऐसा कुछ हो रहा था, तो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो एंड काफी एंजॉय किया मैंने। एटलीस्ट मैं आपको बोलूंगा एक बार ट्राई करो, क्योंकि कोई कोई लोगों को अच्छा लगता है चॉकलेट टाइप की चीजें होती है अच्छी लगती है, मुझे अच्छी लगती है पर्सनली, बट मैं बोलूंगा मजा आया मुझे चॉकलेट बर्गर में, बट ऐसा बोलते ना मतलब बहुत ज्यादा ऑलरेडी बताई दिया आप सभी को, प्लीज अगर विजिट करना एक बार एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल, जब तक बाय बाय सायनारा।